देश एवं प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता का बजट बिगड़ गया है। बेतहाशा वृद्धि से जनता की कमर टूट चुकी है। आज पेट्रोल 108 रुपए, डीजल 91 रुपए, रसोई गैस सिलेंडर 970 रुपए हो चुका है। किसानों को नगद भुगतान पर खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया को किसानों की कोई चिंता नहीं है। बेरोजगारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। यह बात सरदारपुर विधायक द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा धुलेट से सरदारपुर तक केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की शिवराज सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण न होना, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, साथ ही सरदारपुर क्षेत्र में गरीब किसानों को नगद खाद वितरण, बढ़े हुए बिजली बिल की जांच की मांगों को लेकर धुलेट से सरदारपुर तक निकाली गई 11 किलोमीटर की जन जागरण पदयात्रा को सरदारपुर बस स्टैंड पर संबोधित करते हुए कही। पदयात्रा का धुलेट, अमोदिया, राजगढ़, सरदारपुर में जगह जगह स्वागत हुआ। पदयात्रा के दौरान कांग्रेसी जनों द्वारा सरदारपुर में सहकारी संस्था के सामने धरना प्रदर्शन कर नगद खाद वितरण की मांग करते हुए विधायक करेवाल द्वारा मौके पर ही जिला खाद अधिकारी स्वाति राय से दूरभाष पर चर्चा की, जिस पर जिला अधिकारी द्वारा 2 दिवस में नगद खाद वितरण प्रारंभ करवाने की बात कही। तो वहीं बस स्टैंड पर विद्युत विभाग के अधिकारी पीयूष चतुर्वेदी को बढ़े हुए बिजली बिलों की सूची सौंपी, जिस पर संबंधित अधिकारी द्वारा उचित जांच करवाने की बात कही। इस दौरान जनजागरण पदयात्रा को विभिन्न स्थानों पर रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा, धार जिला कांग्रेस के सह प्रभारी हेमंत पाल, प्रदेश कांग्रेस सचिव गोविंद पाटीदार आदि ने भी संबोधित किया। भारतीय न्यूज के लिए सरदारपुर से दीपक प्रजापति की रिपोर्ट। ये केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर के गांव की जनता में, युवाओं में, किसानों में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के जन जागृति पद यात्रा थी कि जागो युवा, जागो किसान, जागो जनता, बढ़ती महंगाई से केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार आपकी जेब से कैसा पैसा निकाल रही है। इस जन जागृति को लेकर के ये पद यात्रा आयोजित की थी। ये पद यात्रा करीब 11 किलोमीटर की थी। इस पद यात्रा में किसानों का, आमजन का, युवाओं का काफी समर्थन मिला। प्रताप ग्रेवाल, विधायक सदापुर। Subscribe now to most exciting channel ever.